और की मैथ में अभ्यास दो करेंगे, जिसके हमने कल तक क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे, 7 तक। आज हम किताब में से क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। तो आप सब बच्चे अपनी अपनी मैथ की किताब निकालिए, उसमें अभ्यास दो, जिसका पेज नंबर दे देखो बच्चों 50, वो निकालो और अपनी कॉपी निकाल लीजिए। उसमें करोगे किताब में उंगली रखो सब बच्चे, 8 नंबर पे देखो, ये देखो ये वाला 8, ये पेज नंबर ये 15 है यहाँ पे, तो ये वाला अपनी किताब में निकाल लीजिए। 8 नंबर है संख्याओं की तुलना करते हुए खाली स्थानों में ये चिन्ह हमें भरने हैं, जैसे ये छोटे बड़े के जो चिन्ह हैं वो लगा लें। ये देखो बच्चों ये ऐसे चिन्ह बने हैं, एक ये बना है, एक ये इस तरह का बना और एक ये बराबर, ये तीन चिन्ह बने हुए हैं। इन तीन चिन्ह को हमें इनके अंदर भरना है। तो जो बड़ी संख्या होती है बच्चों, जो बड़ी होती है देखो, जैसे कि ये है 5 और 9 लिखा है, 5 और 9, इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? 9 बड़ा है, तो 9 के सामने मुंह खोलने वाला चीज ये वाला निशान आएगा कि जिसका मुंह खुला रहता है, तो वो बड़ी संख्या के सामने हम रखेंगे। तो ये 9 बड़ा है तो ये वाला चिन्ह हमें लगाना है। जैसे लिखा मैंने 3 और 1 लिखा है, तो इसमें कौन सी बड़ी है छोटी है? बड़ी जैसे 3 है, तो हमें 3 के सामने जो मुंह खोलने वाला चिन्ह लगाना है, तो ये देखो बच्चों ये वाला ये आएगा ऐसे। और अगर जैसे कोई संख्या जैसे लिखा है 15 और 15, तो ये दोनों क्या है? बराबर है। इसके बीच में कैसे निशान आएगा? ये बराबर का निशान जो ये है, तो ये आप अपनी किताब में ही लगाओगे निशान, इसको कॉपी में नहीं लिखना है। तो इसमें देखो पहली संख्या ये है ए, इसमें ये देखो पहले सबसे पहले हम कॉमा लगाएंगे, इकाई इकाई से का बोलो बेटा सर, ये क्या आता है? कॉमा, फिर ये हजार का सजा, इसमें भी लगाओ बोलो इकाई इकाई से का, फिर ये कॉमा और ये हजार 10,000। अब देखो बच्चों इसको पढ़ो, ये कितनी हो गई? हजार के दो अंकों पे 67 की का हो गई 67,859 और ये है 93,297। तो इसमें से बड़ी कौन सी है? ये 93,000। 93,000 ज़्यादा होता ना, और 67 कम है, तो बड़ी ये है। तो इसके सामने हम खोलेंगे तो कौन सा निशान आएगा? ये वाला। तो अपनी किताब में ये वाला निशान लगा सब बच्चे। इसके बाद इसके नीचे हम देखो बी, इसमें हम कॉमा लगाएंगे, बोलो मेरे साथ इकाई दहाई सैकड़ा कॉमा हजार 10,000 कॉमा फिर ये लाख, इसमें भी लगा लो बोलो इकाई दहाई सैकड़ा कॉमा फिर हजार 10,000 फिर ये वापस कॉमा और ये लाख। इसको पढ़ो बच्चों, ये क्या लिखा है? लाख के साथ 7,80,935 और ये क्या है? 6,07,546। तो बड़ी कौन सी होगी? 6 लाख बड़ा है 7 लाख? ये 7 लाख बड़ा है। तो किसके सामने मुंह खोलने वाला चिन्ह लगाएंगे? तो ये वाला निशान ऐसे ये लगाएंगे ये वाला। तो ये अपनी किताब में पढ़ लो। इधर आ जाओ सी पे, इकाई दहाई सैकड़ा कॉमा हजार 10,000 और फिर ये कॉमा, इसमें भी लगा लो इकाई दहाई सैकड़ा ये कॉमा फिर हजार 10,000 कॉमा और ये लाख। तो ये देखो बच्चों ये है 6,13,501 और ये है 3,76,193। तो बड़ी कौन सी होगी? ये 6 लाख। 6 लाख ज्यादा होता ना, और 3 लाख कम है, तो बड़ी जो ज्यादा है वो बड़ी है। तो इसके सामने ये हम बोल रहे हैं निशान लगाओ। डी देखो इसका ये इकाई दहाई सैकड़ा कॉमा लगा लो हजार 10,000 इसमें भी लगाओ इकाई दहाई सैकड़ा भी कॉमा ये है। लाख पे क्या लिखा हुआ है? 3, तो कितने लाख हो गए? 3 लाख। 3,01,000 ये हजार के दो अंक पे ये लिखा हुआ, पहले 0 और फिर 1 है, तो ये क्या है? 1,899 और ये है 1,16,385। तो कौन सी बड़ी हुई? 3 लाख वाली। तो इसके सामने ये हम मुंह खोलने वाला निशान लगाएंगे। यह आपको किताब में करना, कॉपी में नहीं लिखना। इसके आगे देखो अपनी किताब में
ये हो गया तीन अंक की सबसे छोटी संख्या। फिर पूछा जैसे चार अंक की सबसे छोटी, तो ये एक तो अंक ये हो गया, तो कितने जीरो लगेंगे? तीन। तो ये लगा दिया हमने ये तीन जीरो, ये क्या हो गया चार अंक की सबसे छोटी संख्या। तो हमारा सवाल है इसमें नौ नंबर, ये आपको कॉपी में करना है कि पांच अंक की छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी लिखनी है। पांच अंक की छोटी से छोटी संख्या होगी ऐसे कॉपी में लिखना, ये छोटी से छोटी संख्या। वो हो गई पांच अंक लिखने, तो एक तो एक अंक ही हो गया और छोटे में हम एक के आगे जीरो लगाते हैं, तो एक तो ये एक हो गया और फिर ये चार बार ये जीरो, तो कितने अंक हो गए? ये पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या। और बड़ी लिखनी है तो हम लिखेंगे कितनी बार नौ लिखना है? बड़ी में नौ लिखा जाता है तो कितनी बार नौ हो जाएगा? पाँच बार नौ, ये एक दो तीन चार पाँच, ये हो गई। इसको पढ़ो बच्चों, देखो इकाई दाई सैकड़ा को हमारा लगा दिया, ये क्या हो गई? दस हजार। पाँच अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? दस हजार। और पाँच अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी? देखो मैंने ये कॉमा लगा लिया, तो ये कौन सी हो गई? हजार के दो में निन्यानवे, तो निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे, तो ये है पाँच अंक की सबसे बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या। इसके आगे देखो दस टेन नंबर पे होंगे, देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें एक जोड़ने पर योगफल एक लाख हो जाए। कि वो बड़ी से बड़ी संख्या हमें लिखनी है जिसमें एक जोड़ने पर वन जोड़ने पर वो कितना हो जाता है? एक लाख। तो वो है बच्चों मैं बता रही हूँ, जैसे ये निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे, जब हम इसमें एक सॉरी इसमें जब हम एक जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक लाख। देखो इसमें एक जोड़ते हैं तो कितने हो जाएंगे? एक लाख। एक जोड़ के देखो ये प्लस करो, नौ में एक जोड़ा दस, पहले का मन करा फिर दस का जीरो, फिर इसमें मन करा दस का जीरो, फिर मन करा दस का जीरो, फिर मन करा दस, ये हो गया। तो देखो इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख हो गया ना, ये एक लाख। वापस देखो इकाई दाई सैकड़ा कॉमा हजार दस हजार और ये लाख। तो वो संख्या है निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे एक लाख हो जाएगा। तो आप इसमें लिखोगे वो संख्या है एक लाख। आया समझ में? इलेवन नंबर देखो, यह आपको किताब में करना है। निम्नलिखित संख्याओं की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। उत्तरवर्ती संख्या होता है बच्चों बाद वाली संख्या। कौन सी? बाद वाली। तो बाद वाली संख्या लिखना, जैसे देखो मैंने लिखा 142 142, इसके बाद में क्या आता है? 143, इसके बाद क्या आता है? 144, ये आता है ना, तो बाद वाली संख्या लिखनी है। उत्तर होती है बाद वाली। तो इसमें देखो पहला ये देखिए, इसमें ये लिखा कॉमा लगे यहाँ पे 35,867, 35,867 के बाद में कौन सी संख्या आएगी? 35,868, 68 के बाद क्या आता है? 68। तो हम लिखेंगे इसके बाद वाली संख्या ये 35,868। तो इसमें इसके सामने ये भरो आप। फिर बी में देखो लिखा हुआ है इसका 50,078, इसके बाद क्या आएगा? 50,079, तो ये लिखा हमने 50,079, इसके बाद 80 आता है 78, 78, 79, ये वाला। तो ये भरो आप सब बच्चे किताब में भरोगे इसको यहीं पे। 12 नंबर देखो, निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। पूर्ववर्ती मीन्स होता है पहले वाली, उत्तरवर्ती मीन्स बाद वाली, पूर्ववर्ती मीन्स होता है पहले वाली। पूर्व मीन्स क्या होता है? पहले, तो पहले वाली संख्या लिखी है। इसी तरह जैसे ये हमने बाद वाली लिखी है तो पहले वाली लिखी है। तो पहली संख्या इसकी जैसे
कॉपी के अंदर जमा जमा के अच्छी राइटिंग।